सबसे पहले मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कृषि विभाग से निकाल के पशु विभाग अलग से बनाया और हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, मत्स्य उद्योग के लिए एक विभाग अलग बना के मंत्री जी के रूप में हमें सबसे पहले गिरिराज सिंह जी को दिया और उसके बाद पुरुषोत्तम जी, रूपाला जी आज हमारे पास है। जब कोरोना काल था उस टाइम हमारी पूरी पोल्ट्री स्ट्रेस में थी, उस टाइम मोदी जी ने 15,000 करोड़ रुपए का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड निकाला जिसमें पोल्ट्री डेयरी सबको सम्मिलित किया गया। गिरिराज सिंह जी ने उसमें बहुत सपोर्ट करके इसको आगे बढ़ाया। हेचरी पोल्ट्री फार्म इन्वायरमेंट जिसको हमारे रूपाला जी को हमने उनको निवेदन किया कि छोटे छोटे फार्मों को, छोटे छोटे यूनिट को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, तो उन्होंने इसके लिए भी प्रयास करके उसको सम्मिलित कराया। इसके लिए रूपाला जी हम आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप न केवल उद्योगों के लिए ध्यान दिया बल्कि छोटे छोटे फार्मरों को भी, अपग्रेडेशन को भी, हेचरी को भी, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो लाइव इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, पोल्ट्री फार्म चाहे छोटी हो बड़ी, सबको उन्होंने सपोर्ट किया। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और साथ में मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। कोरोना काल में बैंकों के थ्रू हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री जीरो हो गई थी, समुंदर में डूब गई थी, उसको उठाने में बैंकों के थ्रू, रीपेमेंट के थ्रू, ओडी के थ्रू सपोर्ट किया और हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को एक बार फिर जिंदा किया है। उसके लिए मैं मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके पूरे विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ मैं आज के अतिथि हमारे पशुपालन एवं मत्स्य पालन एवं डेयरी विभाग के पुरुषोत्तम जी, रूपाला जी और मंच में बैठे हुए समस्त अतिथिगण, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, आज इस साल की उपलब्धि पोल्ट्री पे लगातार हर साल कुछ ना कुछ कोरोना के बाद प्रॉब्लम आते जा रहा है और हर कोरोना के बाद प्रॉब्लम में सरकार का सहयोग, केंद्र सरकार का हमको मिलते जा रहा है। जैसे पिछले साल हमने देखा कि 100 रुपया किलो सोया DOC होगी तो उसमें भी अवेलेबिलिटी नहीं थी, हम तुरंत रूपाला जी के पास गए, उनको बताया कि हमारे पशु पक्षी बिना दाना खाए जी रहे हैं और लोग पोल्ट्री फार्म बंद कर रहे हैं, डेयरी शायद बंद कर रहे हैं, फिश फार्मिंग टोटल बंद हो चुकी है, ये उद्योग संकट में। मैंने उनको खुद देखा, वो सब डिपार्टमेंट गए, भूपेंद्र यादव जी के पास गए, जहाँ भी उनकी जरूरत से जरूरत थी जिस विभाग में जाके अपने सामने 3 दिन के अंदर 12 लाख टन सोया DOC का इम्पोर्ट का कागज ला के हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को बचाया, उसके लिए मैं फिर से इनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो सोया अच्छी जिनको खाने नहीं मिल रहा था उनको खाना अवेलेबल कराया, जितना माल स्टॉक था उसको निकलाया, 100 रुपये किलो का माल 60 रुपये किलो हो गया और हमारी इंडस्ट्री एक बार फिर मरते मरते फिर से बची है, जिसके लिए हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन हमारे देश में सड़ोल लॉबी, स्टॉकिस्ट लॉबी बहुत हावी है, वो हर चीज़ का तोड़ निकालती है, काम करती है, उनको मालूम हो गया है कि पोल्ट्री सोयाबीन जितनी डिमांड है उतना ही प्रोडक्शन है, हमारी पोल्ट्री 10-12% की ग्रोथ से बढ़ रही है, एग्रीकल्चर 1-2% में बढ़ रही है, इसके कारण स्टॉकिस्ट और NCDEX लगातार हावी होकर इस साल हमारी फिर सोया के प्राइस को बढ़ा दिया, जबकि उत्पादन प्रारंभ हुआ था कोई ऐसी तेजी की संभावनाएं नहीं थी, इंटरनेशनल मार्केट 350-350 डॉलर था, हमारे यहाँ 700 डॉलर हो गए, फिर हमारी पोल्ट्री उद्योग एक बार चैलेंज में आई और हमने फिर मंत्री जी के द्वार खटखटाया, बैठ के जाके भैया अब हमारी पोल्ट्री को कोई नहीं बचा सकता, अब आप ही हैं, तो उन्होंने सब समस्या सुनी और सुन के तुरंत उन्होंने NCDEX को बैन किया और ये बताया कि अब तुम्हारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को इसके बाद जो भी तकलीफ होगी आप आइए, हम आपकी तकलीफ दूर करेंगे। ऐसा मंत्री, ऐसा पर्सनल व्यक्तिगत इंटरेस्ट वाला मंत्री मैंने तो अपने जीवन काल में नहीं देखा, इतनी खुली एंट्री इनके पास है, इनके पास आने के लिए कोई रोक नहीं, ऐसा मंत्री मैंने नहीं देखा जो बोले कि हर 2-3 महीने में जब तुम नहीं बिना काम के मेरे पास आओ मैं बैठा हूँ आपके पास, बिना काम के आओ, काम के तो जब चाह रहा ना आ जाओ, काम नहीं तो भी मैं से मिल जाओ, मुझे आपकी इंडस्ट्री के दुख सुख बताओ, मैं जो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ करने के लिए तैयार, उन्होंने इस बात को करके दिखा दिया है। और इसके साथ हम हमारे अतुल चतुर्वेदी जी हैं चीफ कमिश्नर और हमारे OP चौधरी सर हैं और आपके डॉक्टर सुजीत कुमार हैं, इन्होंने भी हमारे इस सब काम में बहुत सहयोग दिए, मैं इनके लिए भी हृदय से आभारी हूँ कि इन्होंने भी पूरा साथ दे के रात के 11 बजे तक ऑफिस में बैठ के मंत्री जी के आदेश का पालन किया और तुरंत हम हमारी समस्याओं को दूर किया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज ये प्लेटफार्म मंत्री जी को अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताने का है, समझाने का है, ताकि वो हमारी इंडस्ट्री से बड़े भले भांति परिचित हो जाए। मैं आज मंत्री जी ने टाइम दिया तो मैं सोचता हूँ कि सार्वजनिक मंच में मंत्री जी मैं आपको पोल्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस करूँ। हमारी पोल्ट्री इंटीग्रेशन लगभग आज पोल्ट्री और फिट ब्रांड मिला के 2 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, इसमें 11 लाख फार्मर हमारे पास जुड़े हुए हैं
और इसमें इसको काम करने के लिए 3 लाख इंडिया लेवल की इंटीग्रेशन कंपनी है, 10 से 15 मल्टी स्टेट की कंपनी है और 200 प्लस स्टेट लेवल की कंपनी है जो इस पूरे ऑपरेशन को चलाती है और छोटे छोटे गांव में जाके किसानों के साथ जोड़ के अपने पोल्ट्री फार्म का इंटीग्रेशन का संचालन करती है। अब इसमें इंटीग्रेशन में हम किसानों के साथ क्या करते हैं, उनका पोल्ट्री फार्म होता है, वो अपने फार्म खोलते हैं, हमारे टेक्निकल आदमी जाते हैं, उनको पूरी सहूलियतें देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और इस तरीके से वो जाके करते हैं और हम उनको, उनका इन्वेस्टमेंट जीरो रहता है और हम पूरा 6 फीट मार्केटिंग सब हमारे द्वारा किया जाता है। एक हमने, और इसमें कभी भी हम अपने फार्मर को, किसानों को बंधुआ बना के नहीं रखते कि आप हमारे साथ ही काम करोगे या हमी को ही पढ़ के, जब उसकी मर्जी होती है वो एक इंटीग्रेशन कंपनी को छोड़ के दूसरी में जा सकता है, उसके ऊपर कोई जुर्माना फाइन जाती नहीं होती। आज तक पूरे इंडिया में इंटीग्रेशन खिलाफ क्या केस में एक भी पुलिस कंप्लेंट या सरकार के पास कंप्लेंट नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गवर्नमेंट की बात है। और हमने एक बार सेटिस्फेक्शन इंडेक्स अपने पोल्ट्री फार्मों का निकाला था तो 87% हमारे जो पोल्ट्री फार्म है उनका सेटिस्फेक्शन इंटीग्रेशन कंपनी से बहुत अच्छा रहा। तो इसका मतलब है कि सर हम पोल्ट्री इंडस्ट्री उनको लेके चलती है, उनको साथ लेके चलती है और उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका देती है। हम हर हर कंपनी उनको आगे बढ़ाने के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, इस तरीके से हम उसको आगे बढ़ने जाते हैं। कभी भी उनका कोई लॉस नहीं होता। 3 से 5% फार्मर ऐसे होते हैं जिनको हमारी इंटीग्रेशन कंपनी से कंप्लेंट रहती है। कंप्लेंट का कारण कुछ गलतफहमी भी होती है, कुछ हो सकता है किसी हमारी कंपनी की भी कोई तकलीफ होती होगी, कोई गलती हो जाती होगी, लेकिन जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन कंपनी के पास वो कंप्लेंट आती है हम उसको पूरा दूर करने की कोशिश करते हैं। अभी कोरोना काल में हमें करोड़ों रुपये के नुकसान हुआ पोल्ट्री इंडस्ट्री को, सब बंद हो गए, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने हमें पूरा साथ दिया, हमको पूरा सपोर्ट करके हमको बचाया। उसके बाद जैसे ही मौका मिला हम फिर उनसे जुड़े, हमारे पूरे 3 महीने हमारे पोल्ट्री फार्म पूरे बंद हो गए थे, जैसे ही हम उनसे जुड़े फिर वो हमारे साथ आए और आके काम करके गए, किसी प्रकार का हमने उनको नुकसान नहीं होने दिया। इसके लिए हम अपने किसान भाइयों के भी हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं और ताकि, और उन्होंने हमेशा हमारी इंडस्ट्री को साथ दिया और आगे बढ़ाया है। इसी तरीके से एक हमारे पूरे वर्ल्ड में वन हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, WCS 2007 में इसको लागू किया था और उसके बाद WHO ने 2011 में एडॉप्ट किया है। इसमें मतलब था इसका कि आदमी, पशु पक्षी और वातावरण तीनों एक दूसरे के पर्यायवर्ती हैं, तो जब तक तीनों चीज़ हमारे साथ एक साथ नहीं रहेगी तो आदमी हेल्दी नहीं रह सकता, पशु पक्षी हेल्दी नहीं रह सकता। तो सबसे पहले वातावरण अच्छा होना चाहिए, उसके बाद पशु पक्षी अच्छा रहना। तो पशु पक्षी के एक पार्ट हमारे पास है, पक्षी बर्ड हमारे पास है। अब पशु पक्षी, हम पक्षी को रखने की कोशिश करते हैं और आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे यहाँ इंडिया में करीब 60-70% बर्ड एंटीबायोटिक फ्री बनना चालू हो गई है, लेकिन जो 30-40% बर्ड है, 30-40% बर्ड है, ये इसमें हमको वैक्सीन के प्रॉब्लम होने के कारण, हमारे फार्मों का इनोसेंट होने के कारण, मॉर्बिडिटी होने के कारण हमको एंटीबायोटिक देना पड़ता है, जिसके लिए हमने मंत्री जी से निवेदन किया था, मंत्री जी ने बिल्कुल आदेश भी दिया था और डॉक्टर संजय बलियान जी के नेतृत्व में एक हमारी मीटिंग भी हुई 3 महीना पहले, लेकिन हमारे प्रवीण मलिक जी शायद मुर्गी को मारना ज़्यादा पसंद करते हैं, आज तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो मंत्री जी का ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, करोड़ों रुपए का आज हमारा नुकसान हो रहा है, मुर्गियाँ मर रही है, एंटीबायोटिक को चलाना पड़ता है इंडस्ट्री को बचाने के लिए, जो 30-40% है उसको अगर सर हम चाहेंगे कि उसमें भी हमारा सपोर्ट किया जाए। ऑलरेडी आपने ऑर्डर कर चुके हैं और संजू बल्याल जी ने मीटिंग ले चुके हैं और मैं सोचता हूँ कि इसमें अगर जितने जल्दी ये होगा, एक्शन होगा, नियमित कल कमेटी बनी 3 महीने बाद, अब कमेटी कब क्या डिसीजन देती मुझे नहीं मालूम। अभी हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लग गया है कि जनवरी में विदेश से पक्षी आएगा, कब मालूम नहीं किस स्टेट में किस फार्म में जाके बैठ जाएगा, वहाँ बर्ड फ्लू को वायरस छोड़ देगा, हमारे पास कुछ भी नहीं। और कब बर्ड फ्लू डिक्लेयर हो जाएगा, बर्ड फ्लू डिक्लेयर होगा तो हम लोग फिर एक बार खतरे की डंकी में पहुंच जाएंगे। तो मंत्री जी से निवेदन है कि हमको बचाने के लिए इतना जल्दी इसकी व्यवस्था की जाए ताकि हम लोग अपने पशु पक्षी को बचा के, फार्मरों को बचा के अपनी इंडस्ट्री को हेल्दी करें, गाँव के किसानों को रोजगार दें। और एक डाटा मैंने ये भी देखा था कि हमारे इंडस्ट्री में हम लोग जो काम कर रहे हैं, 4 से 5% पॉपुलेशन हमारी देश की
हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री से इन्वॉल्व है, 5% का रोजगार ये इंडस्ट्री हमारे हमारे देश की जनता को देती है। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारी इंडस्ट्री ने सरकार के सहयोग से आने वाले खतरों को संभालते हुए इस मुकाम तक पहुंची कि 5% हिस्सा हमारे पास में है। और मैं ये सब बताने का मकसद ये है कि जो थोड़ी बहुत कमी है और जो सहयोग है ये लगातार बने रहे, और जो कमी है उसको हमारे मंत्री जी बिल्कुल दूर करेंगे। अंत में रुपाला जी से मैं एक निवेदन करूँगा कि मोदी जी जब भी अपनी स्पीच देते हैं और बोलते हैं तो हर इंडस्ट्री का जिक्र होता है, हर इंडस्ट्री का जिक्र होता है, हमारे पोल्ट्री भाई किसान और हमारे इंडस्ट्री वाले मोदी जी के मुँह से पोल्ट्री इंडस्ट्री का नाम सुनना चाहते हैं। कभी आप इसलिए हमारे तरफ से रिक्वेस्ट भी देंगे मोदी जी के मुँह से एक बार हम पोल्ट्री इंडस्ट्री का नाम सुन लेंगे तो यकीनन हम दिलाते हैं कि जो 10-15% की ग्रोथ चाहिए 25-30% हम कर देंगे।